शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना बिहार में कोरोना महिला मरीजों के साथ हुए अत्याचार को लेकर जमकर सरकार की क्लास ली। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया, क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो कहीं ना कहीं बड़े हैं या जो रसूखदार लोग हैं, बस उनकी इज्जत है। मैं कतई सख्त से सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ कि इस हिंदुस्तान में एक कानून जब तक नहीं बनेगा कि बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। वहीं राजनीतिक मुद्दे के सवाल पर उन्होंने खुलकर बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों बिहार में चुनाव होना है, राजनीतिक में फौजिया किस पार्टी को ज्वाइन करेगी इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन बातों ही बातों में कहा कि जल्द ही मीडिया से मुखातिब होगी। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, ये कहना के पीछे कोई पार्टी हो तब जी नहीं। आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए, तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सुबह के सरदार आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम भी लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। लाइव इंडिया के लिए कैमरामैन समर कुमार डे के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।